Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. लंबे समय तक शासन किया और शासन के बाद देश के गौरव को बढ़ाने की जगह धीरे 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 करके देश का गौरव नीचे आया और देश के गौरव को बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, मुझे याद है जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, कांग्रेस के प्रधानमंत्री होते थे उस वक्त दाओस समिट के अंदर प्रधानमंत्री जाते थे, जाते वक्त ही उनके पीआर डिपार्टमेंट वाले यहां से तय करते थे कहां फोटो खींच जाए, किसी के साथ चाय पीता हुआ, किसी के साथ लंच करता हुआ, किसी के साथ हाथ मिलाता हुआ, किसी के पास डिनर करता हुआ। भाषण का तो सवाल ही नहीं था, किसी का भाषण नहीं होता था। लंबे समय के बाद इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी का नेता, दाओस अधिवेशन में जाता है और अमेरिका के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां होने के बावजूद भी उद्घाटन भाषण करने का सम्मान भारत के प्रधानमंत्री को मिला। मित्रों, छोटी बात नहीं है और भाषण भी चपड़ चपड़ अंग्रेजी में करने की बजाय देश की राष्ट्रभाषा हिंदी में भाषण करकर दुनिया में हिंदी का सम्मान बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति, हमारा भारतीय चिंतन, हमारे अर्थशास्त्र के इथोस, हमारे समाज कल्याण के इथोस हिंदी में दुनिया के सामने रखे नरेंद्र मोदी जी ने दूसरों को एक इंच भी नीचा दिखाए मगर भारत को महान दिखाने का काम, महान करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावोस के अंदर किया और इसी के कारण आज पूरा जगत, आज देश की सबसे तेज गति से, दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था पर नजर रखकर रहा है। जो स्वतंत्र के सारे पैरामीटर अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह के शासन में नीचे चले गए थे, फिजिकल डेफिसिट हो या बजट का घाटा हो, कोई जगह पे कोई मैच नहीं था। अर्थशास्त्री कुछ नहीं कर पाए, बिहार की जनता ने, देश की जनता ने एक चाय बेचने वाले के बेटे को प्रधानमंत्री बनाया। उन्होंने अर्थतंत्र को पटरी पर चढ़ाकर दुनिया का सबसे तेज गति से बढ़ने वाला अर्थतंत्र बनाने का काम अपने नेता नरेंद्र मोदी ने। आए दिन कांग्रेस का शासन था, आए दिन ये सारे पाकिस्तानी आतंकवादी घुसकर हमारे जवानों की हत्या करते थे, लोगों की हत्या करते थे और यहां से निवेदन मात्र जाता। हमारी सरकार आई, पूर्वी में पड़े सवेरे तड़के 3 बजे पाक आतंकवादी सेना के कैंप में घुस गए, ग्रेनेड के अंदर घुसकर 12 जवानों को जिंदा जला दिया। वो नौनिहालों को लड़ने का भी मौका नहीं दिया, कायर का पूर्ण हमला किया, पूरे देश के अंदर हताशा, निराशा, गुस्सा, आक्रोश कि हम क्या हो सकता है, मोदी जी भी क्या करेंगे। ज्यादा से ज्यादा ये निवेदन कर सभी कार्यकर्ता को भी लगता था कि अब क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। मगर मित्रों, 11 दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने फैसला किया और एक दिन सवेरे भारत की सेना भारत माता की जय के जयकारे के साथ पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों से बदला लेकर सर्जिकल स्ट्राइक कर वापिस आई, तब दुनिया के अंदर अचंभा। अरे राहुल गांधी पूछते हैं क्या हो गया है सर्जिकल स्ट्राइक से। राहुल जी, आपको मालूम नहीं पड़ेगा, आपका संगम लालू जी के पास है, आपको चारे की बात ही मालूम पड़ेगी, ये सारी बातें मालूम नहीं पड़ेगी। आपको भगवान की भाषा समझ में आएगी क्योंकि राहुल जी और लालू जी की जोड़ी अब बन चुकी है। आपको मालूम नहीं है राहुल बाबा, हमारे बहादुर जवान जिस वक्त सर्जिकल स्ट्राइक समाप्त कर वापिस हिंदुस्तान की सरहद में आ गए, दुनिया में दो ही देश थे जो अपने जवानों के शहीदी का बदला लेते थे, अमेरिका और इसराइल। इसके साथ एक तीसरा नाम जुड़ गया, मेरे महान भारत का नाम।
साथ जुड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी। इसको कहते हैं देश का सम्मान बढ़ा। अभी मीडिया ने बहुत चलाया, कि सब एक हो गए, गठबंधन हो गया, महागठबंधन हो गया, अति महागठबंधन हो गया। कई बार कार्यकर्ता भी चिंतित होता है कि भाई क्या होगा। भैया आप मुझे बताओ, 2014 के चुनाव में ममता जी हमारे खिलाफ लड़ी थी या नहीं लड़ी थी? भाई जोर से बोलना जरा। लालू जी लड़े थे या नहीं लड़े थे? देवगोड़ा लड़े थे या नहीं लड़े थे? राहुल गांधी सोनिया गांधी लड़े थे या नहीं लड़े थे? सबके सब हमारे खिलाफ लड़े थे। अखिलेश भी लड़े थे, मायावती भी लड़ी थी, जो छुटपुट छुटपुट थे सब लड़े थे। लड़े थे या नहीं लड़े थे? ये सबको लड़कर, सबसे लड़कर, चुनाव हराकर हम सरकार बनाए थे। ये नई बात नहीं है, ये सबको 2014 में हरा चुके। हरा चुके हैं नहीं हरा चुके? सिर्फ चंद्रबाबू जी गए हैं नए, चंद्रबाबू जी गए हैं तो नीतीश जी आ गए। कोई फर्क पड़ा है? जरा जोर से बोलो, कोई फर्क पड़ा है? मित्रों, चाणक्य का एक सूत्र है, महान चाणक्य ने कहा था, सारे चोर इकट्ठा हो जाए तो समझना राजा प्रामाणिक है। मैं किसी को चोर नहीं कहता, चाणक्य का सूत्र कह रहा हूं। भले सारे इकट्ठा हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की एक फौज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महागठबंधन को पछाड़कर फिर से एक बार पूर्ण बहुमत से चुनाव जीतने जा रही है। और बहुत बड़ा, अंदाज लगाती हूं, इसके लिए बनी ही नहीं थी, हारने के लिए बनी थी। इस प्रकार से हमने संघर्ष किया, कार्यकर्ता जीते और पार्टियां दें, लोगों को भोजन कराए, वो तो समझ में आता था। भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता ऐसे थे जो जमानत जब्त हो जाए और बच जाए, इसके बीच में कार्यकर्ता को भोजन कराते थे, चलो भैया जमानत बच गई। इस प्रकार की लड़ाई लड़कर आए और आज मोदी जी के नेतृत्व में 2018 स्थान पर खड़े हैं। तब हम पीछे मुड़कर देखते हैं हमारी पार्टी कहां होती। 10 सदस्यों से जो जुड़ी हुई वो पार्टी की यात्रा आज 11 करोड़ सदस्य के साथ दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बनकर आ गया। 10 सदस्यों से 11 करोड़ की यह यात्रा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है। देश का कोई मंडल ऐसा नहीं है, कोई जिला ऐसा नहीं है जहां मेरा भारतीय जनता पार्टी का सैनिक कमल का झंडा लेकर भारत माता की जय के नारे लगाते हुए नहीं। समग्र देश के अंदर सबसे ज्यादा विधायक किसी पार्टी के हैं तो आपकी, मेरी, ये भारतीय जनता पार्टी के हैं। 1700 से ज्यादा विधायक आज भारतीय जनता पार्टी। समग्र देश के अंदर सबसे ज्यादा म्यूनिसिपल काउंसिलर है, सबसे ज्यादा जिला पंचायत के सदस्य है, सबसे ज्यादा तहसील पंचायत के सदस्य है, तो मेरी और आपकी ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य है। सबसे ज्यादा सांसद 330 सांसद अगर किसी पार्टी के है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। देश में 19 राज्य सरकारें हैं जिसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 19 राज्यों की जनता की सेवा करने का लाभ उठा रहे हैं। देश के अंदर एक पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है। और ये जो यत्न है, इसका परिणाम ये है कि देश के 70% भूभाग पर आज भारतीय जनता पार्टी का शासन है। ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी। और मित्रों, ये पार्टी के कार्यकर्ता नाते जब आप मेरे सामने आए हैं, सामने बैठे हैं,
तब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी भी कई लोग मुझे कहते हैं अमित भाई पार्टी का स्वर्ण समय आ स्वर्णिम काल है। कई लोग कहते हैं कि गुप्त वंश जैसा पार्टी का स्वर्ण समय आ विशेष करके बड़ी उम्र के कार्यकर्ता, मगर मैं आज आपके अध्यक्ष के नाते कहना चाहता हूं ये पार्टी का स्वर्ण काल नहीं है। जब तक केरल, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, ओडिशा और बंगाल सीट नहीं लेते, पार्टी के कार्यकर्ताओं को आराम करने का अधिकार नहीं। देश के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी ने फैलना, हर बूथ तक पहुंचना और जीतने की आदत डाली। ठीक है, 3 दशक तक ए भाई, ओ पुलिस वाले भाई, आप जरा आगे निकलिए, आपको कह रहा हूं। ठीक है, लंबे समय तक हम हारते रहे, मगर अब जीत का सिलसिला जो शुरू हुआ है वो सिलसिला रुकनी करना है। जो मैं देश भर का दौरा करता हूं, देश के 23 राज्यों का दौरा करकर 24वें राज्य में आज बिहार में आया, देश भर के संगठन की स्थिति का जायजा लेते 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 आज मैं यहां पहुंचा हूं। मैं बताता हूं कि पंचायत से पार्लियामेंट तक लंबे समय तक इस देश पर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का शासन रहेगा और उसी का आधार पर 2019 का चुनाव, 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनानी है और फिर से एक बार हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमने और इसी के बारे में आज मैं यहां आप सबके सामने बात करने के लिए आया। मित्रों, जब बात करते हैं सरकार बनाने की, अभी अभी 1-1.5 साल से मैं देख रहा हूं कि राहुल बाबा जगह जगह घूमते हैं, घूमते हैं और सवाल पूछते हैं कि मोदी जी ने क्या किया। पूछना भी चाहिए, मगर राहुल बाबा आपको सवाल पूछने का अधिकार नहीं, क्योंकि आप हमसे 4 साल का जवाब मांग रहे हो, देश की जनता आपसे 4 पीढ़ी का जवाब मांग रही है, 4 पीढ़ी तक आपको क्या। आपके पर नाना जवाहरलाल जी ने शासन किया, आपकी ननानी इंदिरा जी ने किया, आपके पिता राजीव गांधी ने किया, आपकी माता सोनिया जी ने 10 साल तक शासन किया, 55 साल में देश के ऊपर आपने शासन किया, देश को क्या दिया, इसका जवाब देश की जनता मांग। आप हमें सवाल पूछ रहे हैं मित्रों, राहुल बाबा को जवाब देने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, ना मैं जरूरत देखता हूं ना देना चाहिए, मगर देश की जनता ने हमारे नेता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमें जनादेश दिया। हमारा फर्ज है देश की जनता को हिसाब देना। बिहार की जनता ने बहुत बड़ी मात्रा में चुनकर नरेंद्र मोदी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है, हमारा फर्ज है बिहार की जनता को जवाब देना। मित्रों, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, जरा जोर से बोलिए, देना चाहिए नहीं देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, जब भी हमें जनादेश प्राप्त होता है हम हिसाब लेकर जनता के पास जाते हैं। और राहुल बाबा, कान खोल कर सुन लो, मैं हिसाब देने जा रहा हूं, वो हिसाब को आपकी 4 पीढ़ी के हिसाब के साथ कंपेयर कर लेना। 4 पीढ़ी में आप जो नहीं कर पाए हमने 4 साल के लिए, क्या स्थिति 2013 में देश की। 10 साल तक यूपीए का शासन चला, सोनिया मनमोहन सरकार चली, 10 साल तक देश में शासन करने के बाद 2013 में देश की स्थिति क्या थी। मैं आपके माध्यम से बिहार की जनता को भी याद कराना चाहता हूं
2013 में देश की स्थिति क्या है, महंगाई अपनी चरम सीमा पर थी, महिलाओं की सुरक्षा का कोई ठोर ठिकाना नहीं था, सीमाओं की सुरक्षा का कोई ठोर ठिकाना नहीं था, आए दिन जवान मारे जाते थे, उनके कटे हुए सर को पैर के तरह रौंदा जाता था, दुनिया में देश का सम्मान नीचे था, सबसे नीचे स्तर पर था, एक के बाद एक 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले, कभी कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी केस के माध्यम से बाहर आते थे, जैसे देश में घपले घोटाले का ही इलाज चला हो, इस प्रकार के शासन से कैसी सरकार चलती थी, जिस सरकार को पॉलिसी पैरालिसिस हो गया था, नीतिगत बाबतों में लकवा मर गया था, कोई निर्णय नहीं होते थे, कोई फैसले नहीं होते थे, देश का हर मंत्री, कैबिनेट का हर मंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री मानता था, और प्रधानमंत्री ऐसा था जिसको कोई प्रधानमंत्री नहीं मानता, और उस स्थिति में 2014 का चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया हम तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ेंगे, और चुनाव अभियान की शुरुआत, चुनाव अभियान की शुरुआत होने के साथ ही देखते 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 जो युवा शोषित होकर रैलियां करता था, रोड पर प्रदर्शन करता था, धरने करता था, मतदान जुलूस निकालता था, नरेंद्र मोदी की रैलियों में कन्वर्ट हो गया, एक वातावरण बना, वातावरण से हवा बनी, हवा से आंधी बनी, आंधी से सुनामी बनी, और 282 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण एनडीए की सरकार बनाई हमने, पूर्ण बहुमत होने के बावजूद हमने एनडीए की सरकार बनाई, सारे राजनीतिक दल के साथियों का सम्मान किया, और हम आगे बढ़े, और वहीं से नरेंद्र मोदी जी के 4 साल के शासन की शुरुआत। मित्रों, आज पीछे मुड़ कर देखते हैं 4.5 साल के शासन में तो देश में कितना बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन, 4.5 साल के शासन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 करोड़ गरीब महिलाओं को, माताओं को गैस का सिलेंडर और चूल्हा देने का काम करकर उनके घर की रसोई को धुएं से मुक्त, नरेंद्र मोदी जी ने 7.5 करोड़ परिवारों को शौचालय देकर 7.5 करोड़ परिवारों की माताओं, महिलाओं, बेटियों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है, आज उन्होंने खुले में शौच क्रिया नहीं करनी, 2 करोड़ लोगों को घर दिया है, 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के घर में बिजली देने का काम किया है, ये राहुल बाबा का परिवार 4 पीढ़ी तक शासन करने के बाद 19,000 गांव ऐसा छोड़कर गया था जहां बिजली का खंभा भी नहीं,